हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रोलेक्स चैनल पे। तो आज मैं आपको कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। बिफोर वो देख लीजिए कितना औसम तरीका से फेसेस मोड हुआ है। देख लीजिए इस तरफ, देख लीजिए कितना दाग है, पिंपल्स वगैरह है, दाग है, दाग थप्पे भी है। ये भी मैं रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। एडिट किया हुआ फ़ोटो देख लीजिए, एडिट किया हुआ फ़ोटो, साथ ही साथ हाई क्वालिटी में हुआ है हमारा फ़ोटो। फेसेस मॉडर्न देख लीजिए, हाई क्वालिटी। एंड यहाँ पे देख लीजिए हेयर पे, ये आपको कैसे एडिट करना है, एंड इस पर कैसे आपको एडिट करना है, हेयर पे लगाना है, पता है हमको क्या करना है, चीना लगाना है। सिंपली सही इसका ओरिजिनल फ़ोटो ले लेते हैं, ओरिजिनल फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं। देख लीजिए पहले कैसे इंटरफेस है, देख लीजिए कितना ब्लैक है हमारा। तो सिंपली सर इस वाले शेयर पे आ जाएंगे एंड सेंड। इधर स्नैपचीट मोबाइल एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद सिंपली सर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखा देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सर टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे एंड इधर से आप पता है क्या चूज कर लेते हैं, टोटल कंट्रास्ट, हाईलाइट टोन्स को भी 0, मीडियम टोन्स को भी 0 एंड लो टोन्स को भी 0, रोटेट साइडों को 100, रोटेट हाईलाइट को 100। इतना करने के बाद सिंपली सा डन कर लेंगे। डन करने के बाद फिर से टूल्स वाले आइकन पे एंड इस पर डिटेल, इसी को डिटेल्स कहते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे 14, शार्पनिंग पे 100। इतना करने के बाद सिंपली सर टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे, हेलिंग पे आ जाएंगे, इधर से डार्क टॉपिक कट कर लेंगे। देख लीजिए ये मैं अपना खुद का फ़ोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ, नहीं कोई DSLR का या कैमरा का, कोई लेंस वेंस उसका भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल हाथ में धरकर, स्टैंड का भी नहीं है, मोबाइल हाथ में धरकर। और बैकग्राउंड में देख लीजिए गाछी वाछी कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड हरियर भी नहीं है। देख लीजिए बैकग्राउंड का कलर तो कैसे आया, मैं कैसे एडिट करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो सिंपली साइज वाले आइकन पे डन कर लेंगे। डन करने के बाद फिर से टूल्स वाले आइकन पे HDR पे क्लिक करेंगे एंड इसको फिल्टर स्ट्रंग को 0, ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर लेंगे, 16 माइनस 16 प्लस। इतना सिंपली सा डन कर लेंगे। शेयर करने के बाद इस फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइव मोबाइल एप्लीकेशन में, शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद सिंपली सा बैकग्राउंड जो रहता है ना, बैकग्राउंड पे डिफरेंस आपको पड़ता है। आपका मान लीजिए ब्लर फोटो है तो आपका बहुत अच्छा तरीके से होगा। तो ये मेरा आप लोग जानते ही होंगे कि ये मेरा मोबाइल का फ़ोटो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ही। तो हाईलाइट को माइनस है, साइडों को 100 एंड वाइट को 20 एंड ब्लैक को 57 एंड कंट्रास्ट को हल्का सा 12 कर लेंगे एंड इसको भी 12 कर लेते हैं, 10 कर लिए। फिर से कलर वाले आइकन पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे एंड इधर क्लिक करेंगे, इसका सिचुएशन 30 एंड इसका सेचुरेशन भी 50 एंड इस वाले आइकन पे आ जाएंगे, इसका सेचुरेशन 30, हेलो टोन का सेचुरेशन 30 एंड इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसको हम बढ़ा लेते हैं एंड इसको भी घटा लेते हैं एंड इसे बढ़ा लेते हैं, तो 60 29 41। इतना करने के बाद सिंपली साइज पर क्लिक कर लेंगे। देख लीजिए आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा तो स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, इसके आएंगे एंड सेचुरेशन इसका 4 एंड हाँ मेरी जान वो हमारा बैटरी लो मार रहा है। सिंपली सा लैम्बेनियंस को 100 एंड इस वाले आइकन पे आ जाएंगे
इसका 16 माइनस एंड 100 इसका भी। तो अब आप क्वालिटी देख सकते हैं कैसे पहले था अभी कैसे हो गया है। एक बार फिर से देखिए, देख लीजिए मैं कैसे इसका वाइप करके दिखाता हूँ। देख लीजिए इतना कलर सिंपली से देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर कैसे मैं फेस को गोरा किया हूँ देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने के बाद सिंपली सा वीडियो को भगाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा होने वाला है, वीडियो का फुल वॉच करिएगा, बड़ा होने वाला है तो भगाएंगे क्यों। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद सिंपली सा इधर से बैक। हाँ मेरी जान, इस फोटो को लेके हम आ चुके हैं स्नैपशीट से लाइट रूम में, लाइट रूम से एक बार इस बार आ चुके हैं, पता है किधर, स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आठ होता है स्केच बुक। तो सिंपली सा इस वाले आइकन पे आ जाएंगे, इधर से थोड़ा थोड़ा फास्ट बता रहे हैं इधर से कि वीडियो बड़ा होने वाला है। तो इधर से ये आला ब्रश एंड 13 एंड 6 का फॉलो एंड इसका एक साइज अपने आप से देख लीजिएगा 13। इस वाले आइकन पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे एंड देख लीजिए मैं कैसे आप लोग को बता देता हूँ कैसे आपको करना है। इधर से क्लिक करेंगे एंड साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इधर से हम खींचेंगे, क्या खींचेंगे पता है हमको, उस तरफ जो था वह खींचेंगे, वाइट जो था ना हमारा वो हमको खींचना है। देख लीजिए कैसे खींच रहे हैं, आप लोग ऐसे ही खींचिएगा और जो जो मैं ऑप्शन बताया हूँ फॉलो करिएगा तो आप फिर स्मूथ एंड हाई क्वालिटी सीख जाइएगा साथ ही साथ। देख लीजिए सर जो ब्लैक है रुक जाइए आप काट कर दिखा दें, इधर ब्लैक है जो हम कट कर लेते हैं, कट करने के बाद सिंपली सा इस वाले आइकन पे आ जाएंगे, इधर से इसको कर लेंगे ऐसे, इधर से भी इसको ऐसे कर लेंगे तो हमारा चिन्हा भी नहीं रहा है अभी। तो फिर से इस वाला आइकन पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली सा इधर आ जाएंगे एंड इधर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे मीडियम ब्रश लिया ऑप्शन वाइट चूज कर लेंगे, वाइट चूज करने के बाद सिंपली सा देख लीजिए अगाड़ी हो गया थोड़ा, माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो में कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ अपने छोटा भाई समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। देख लीजिए ऐसे आप करना है, इस तरफ से ऐसे कर देना है आपको, जो मैं सिखाता हूँ ना वो कोई भी एडिटर आपको मेरे जैसा नहीं सिखाता होगा, मुझे पता है। इधर से कट कर लेते हैं, कट करने के बाद सिंपली सा अब हम क्या करेंगे, इस वाले आइकन पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे इंडी, इस पर साइज बढ़ा लेंगे एंड हम क्या करेंगे पता है, स्मूथ करेंगे, पता है हम क्या करेंगे स्मूथ, हमको क्या करना है अभी फेस को स्मूथ करना है। देख लीजिए आपको बता रहा हूँ, इधर देखिएगा इधर इस वाले ऑप्शन पे देख लीजिए कितना आसान तरीका से स्मूथ हो रहा है, देख लीजिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब फिर से कर लीजिएगा, मैं दोबारा बोलने जा रहा हूँ। एंड वीडियो का फुल वॉच करिए होंगे तो आप सीख ही गए होंगे, और नहीं आपको आता होगा ना तो मैं अपने YouTube पे बहुत सारे फेस स्मूथ वीडियो डाला हूँ, उस पर जाकर आप देखते सीख सकते हैं। देख लीजिए ये पता चल रहा है अभी किधर से लगाया गया है, थोड़ा भी नहीं पता चल रहा है, इधर से पता चल रहा है कि ये कटवाए गए ये केस, ये इसमें केस वाले शोरूम में यानी कि सैलून में। तो बिना किसी वीडियो पे कर देते हैं बंद और मिलते हैं अगले दिन।